हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं आज आपको अपने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। भारत में गेमर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि BGMI अगले महीने अप्रैल में अपने इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और BGMI पॉपुलर कम्बैट गेम पर इस गेम पर लिए जो एक दूसरा टीम बना के लोग खेलते हैं, अनफ्रेंड भी खेलने वाले हैं, अनफ्रेंड भी खेलते हैं, और ज़बरदस्त क्रेज था, इसलिए BGMI को भारत में बैन करना पड़ा। पबजी को किया वैसे ही भारत में बैन। अब 2023 में BGMI की वापसी होने वाली है। इसी महीने एंट्री कर सकता है अपना गेम प्ले, हो सकता है तो इस महीने लास्ट में, नहीं तो अगले महीने अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी ये एंट्री कर सकता है। ज़बरदस्त एडवर्टाइज को देखने को मिल सकता है। भारत में बैन होने के बाद पबजी लवर्स को काफ़ी झटका लगा था, जैसे पबजी को हुआ वैसे ही BGMI को हुआ है। अब जैसे ही अपना BGMI अनबैन होने वाला है तो गेमर्स को बहुत जल्दी खुशखबरी मिली, जिनके लोगों ने इसमें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को लाया था। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार भारत को बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की पब्लिसिटी जियो या एयरटेल कर सकता है। लेकिन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को भारत में बैन करने के पीछे वजह थी कि बाल अपराध के कई मामले सामने, इस वजह से इस बैन करने की मांग भी लगे थे। लेकिन एक बार फिर से खबर मिल रही है कि जल्दी भारत में वापसी करने होते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, जिनका खुलासा जल्दी किया जा सकता है। इसमें एज रिएक्शन दिया जाएगा, आधार कार्ड लगेगा, 18 के प्लस में ये गेम चलेगा, डाउन में नहीं चलने वाला है। तो ये मतलब जैसे ही इसमें प्ले स्टोर पर आएगा तो जो भी डाउनलोड करेगा उसको 18 प्लस में ये डाउनलोड कर सकता है। उससे पहले इस आधार कार्ड लगेगा या कोई भी आईडी लगा के इसको गेम प्ले को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे ये बैटल मोबाइल इंडिया डाउनलोड नहीं होगा। ओके भाई, और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।